अब हम आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज पे पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप सोशल मूवमेंट पार्टिसिपेशन राज्य ये सब चीज़ें हैं, हैं बड़ी सरल सरल अब देखिए दोहराव क्यों होता है राजनीतिक दल हमें भारत में भी देखना है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखना है वहां भी प्रेशर ग्रुप देखना है यहां भी पार्टी प्रेशर ग्रुप देखना है और प्रेशर ग्रुप तो भी जीएस में शामिल कर दिया गया है अब जरा देखिए अब हम तुलनात्मक राजनीति के दूसरे पार्ट में चलेंगे पार्टीज राजनीतिक दल अब आप देखते ये भी आपको बता दें कि राजनीतिक दल का अध्ययन क्यों कर रहे हैं क्योंकि अब संदर्भ हमेशा याद रखिए क्योंकि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के आधुनिक उपागम में मॉडर्न अप्रोच में बात मान ली गई कि तुलनात्मक राजनीति का सरोकार केवल राज्य सरकार के साथ नहीं है आधुनिक उपागम ने माना कि भाई राज्य सरकार का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है इसलिए जब तक हम उन संस्थाओं को नहीं समझेंगे जो राज्य सरकार की दिशा निर्धारित करती हैं तब तक हम पॉलिटिक्स का सही अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो बिना दबाव से वो दल को समझे मामला बनेगा ही नहीं और जब दल की बात आती है पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर करें तो उसमें डुवर्जन है मिशल्स है बड़े सारे विद्वान हैं हम विद्वानों का नाम बाधा बता देंगे लेकिन कंपेरिजन के ग्राफ आपको बना दें कैसे कंपेरिजन आप करते हैं कैसे आप कंपेरिजन करते हैं उसी के बारे में फिर आपको फैक्ट बता देंगे अब मान लीजिए हमें राजनीतिक दल की तुलना करनी हो हमें राजनीतिक दलों को पढ़ना हो तो हम कैसे इनके बीच में कंपेरिजन करेंगे और वही तमाम विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है बस एक आपको हम बेसिक बात याद दिला दें। अब राजनीतिक दल के बीच में अगर तुलना करनी हो तो पहली तुलना कैसी कर सकते हैं विचारधारा के आधार पे? विचारधारा कैसा है वाम लेफ्टिस्ट, बाम पंथ दक्षिण पंथ मध्य मार्गी राइटिस्ट लेफ्टिस्ट और जो मिडिल पाथ के लोग हैं ये हैं अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को समझने का पहला तरीका ये है वैचारिक रूप में विचारधारा के आधार पे। फिर दूसरा तरीका कैसा है दूसरा तरीका है संरचना के आधार पे अब संरचना के आधार पे अलग अलग लोगों ने समझने का प्रयास किया पॉलिटिकल पार्टीज को तो संरचना के आधार पे कैसा है कि जैसे कॉकस ब्रांच शेल और मिलिशिया Militio. फिर उसको हम दूसरा संख्या के आधार पे समझ ले संख्या के आधार पर कैसे समझ सकते हैं भाई यही तो कंपेरिजन है कि हम पॉलिटिकल पार्टी की जब बात कर रहे हैं बड़ा सिंपल से और उसी के बाद विद्वानों ने क्या कहा है बस उसके बाद को घूम फिरा के सब वही बात कहते हैं बस एक आध बात इधर उधर कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है संख्या के आधार पर कैसे हम दल को बांट सकते हैं एक दलीय प्रभुत्व दूसरा द्विदली बहुदली बहुदली एक दली ये संख्या के आधार पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को बांट सकते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को विभाजित करने के लिए हमारे पास कंपैरिजन करने के कई तरीके हैं विचारधारा के आधार पर कर दें स्ट्रक्चर के आधार पर कर दें यदि हमने फिर कहा कि हो सकता है कि अलग अलग विचारधारा के स्ट्रक्चर का नाम कुछ अलग बता दें इतना फ़र्क होगा और संख्या के बारे में अलग अलग विचारकों के अलग अलग राय हो जाए पॉलिटिकल पार्टी का कंपेरिजन अगर करना है तो इतनी बातें अपने आप पर पर्याप्त हैं अब अब देखेंगे बामपंथ का मतलब क्या है देखिए विचारधारा के आधार पर विचारधारा के आधार पर जब हम पार्टी को डिवीजन करते हैं तो कहा जाता है कि वामपंथ दक्षिणपंथ शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी राजा के समय से शुरू हुआ और फ्रांसीसी राजा के समय से यद्यप बात लिखने की नहीं है हम लिखते हैं आधुनिक बातें है। बताने का मामला है कि फ्रांसीसी राजा राजा हुआ करता था तो उसके दाहिने जो लोग बैठते थे परंपराओं की बात करते थे प्रथाओं की बात करते थे जो दाहिने बैठते थे वो परंपरा प्रथा की बात करते थे और जो बाएं बैठते थे वो समानता की बात करते थे सुधारों की बात करते थे समानता स्वतंत्रता सुधारों की बात करते थे तो ये इसका मतलब है जो थोड़ा प्रगतिशील हो जो सुधारों की बात हो समानता की बात करे वामपंथी जो परंपराओं प्रथाओं की बात करें वो तो राजा के जो बाएं तरफ बैठने वाले लोग थे वो सुधारों की बात करते थे स्वतंत्रता की बात समानता की बात राजा के जो दाहिने तरफ बैठते थे वो परंपरा की बात प्रथा की बात किया करते थे इसी बात से मामला आ गया दक्षिणपंथी वामपंथी अब याद रखिये ये शब्द अपने आप में तुलनात्मक है अब जो फ्रांस के राजा ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो आज वही एकदम हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि जब हम वामपंथी और दक्षिणपंथी की बात करते हैं तो जरा आप आज सोचिए आज भारत के संदर्भ में सीधे व्यवहारिक रूप में समझे इस बात को हम फिर सिद्धांतकारों का नाम बता देंगे हम अब आज अगर देखा जाए तो बीजेपी को दक्षिणपंथी पार्टी कहा जाता है बीजेपी परंपरा की बात करती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है प्रथा की बात करती है दक्षिणपंथी है और वामपंथी का फिर मतलब आप क्या समझेंगे जो हमारे यहाँ साम्यवादी पार्टी है वो वामपंथी है साम्यवादी पार्टी है वो वामपंथी हैं हम इस तरीके से समझ लें और कांग्रेस मध्यम मार्ग की नीति पे चली है क्योंकि नेहरू को आप देखें नेहरू से लेकर कांग्रेस ने बीच बीच के रास्ते को अपनाया इस आधार पर ऐसा डिवीज़न हो सकता है अच्छा वामपंथ में भी कोई ज्यादा बामपंथी हो सकता है जैसे अगर माओवादी और सी पी आई एम और सी पी आई की तुलना करेंगे तो माओवादी ज्यादा वामपंथी हैं। और दक्षिण पंथ में भी कोई ज्यादा दक्षिणपंथी हो सकता है जैसे बीजेपी और जब दक्षिण पंथ की बात करते हैं तो सामाजिक रूप में जो सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें वो दक्षिणपंथी है जब आजकल तो जो नव दक्षिणपंथी लोग हैं न्यो राइटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो आर्थिक रूप में उदारवाद बाजारवाद को माने वो भी नव दक्षिण पंथवादी है सांस्कृतिक रूप में जो परंपरा प्रथा को माने और आर्थिक रूप में बाजारवाद को माने वो नव दक्षिण पंथवादी है वो नव दक्षिण पंथवादी है तो दक्षिण पंथ वामपंथ वाकई अपने आप में एक वैचारिक आधार है तो सवाल ये होता है क्या ये डिवीजन आज के उदारीकरण की दुनिया में सही है जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कई विचारकों का रेफरेंस देंगे जैसे कि उसमें मॉरिस जॉन जैसे लोग हैं रुडाल है, रुडाल्फ जैसे लोग हैं भारत के संदर्भ में जो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ रजनी कोठारी ने भी कहा है कि हमारे दलों के बीच विचारधारा वैसा कोई होता नहीं दिखाने के बाद जरूर है रिकर ने इसका अध्ययन किया है रिकर और रिकर का अध्ययन बड़ा फेमस है आर आई सी एच ई आर तो रिकर ने अध्ययन किया है रिकर ने कहा है कि भाई देखो दल जो है शक्ति के लिए काम करते हैं विचारधारा के लिए नहीं और रिकर की बात इसलिए सही होती है कि अगर विचारधारा ही इतना बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता तो क्या एक दल दूसरे दल के साथ गठबंधन कर लेता हमारे भारत में तो सही मायने में शायद ही कोई ऐसे दल हैं जिनका दूसरे के साथ कोई गठबंधन नहीं है शायद ही ऐसा कोई दल है जिसका दूसरे के साथ गठबंधन ना हो ऐसा दिखता ही नहीं तो कौन सा विचारधारा तो विचारधारा तो केवल जनता को दिखाने वाली चीज है इसका मतलब है अगर इस बात को हम इस तरीके समझें अगर हम थोड़ा विद्वानों की बात कर दें कि ये दल में जब विचारधारा और पावर की बात आई तो आखिर में क्या मामला होता है इसलिए पहली हेडिंग क्या लिखा है विचारधारा और शक्ति तो दल के लिए क्या चाहिए विचारधारा चाहिए या शक्ति चाहिए तो वास्तविक रूप में अगर एडमंड बर्ग की बात देखी जाए एडमंड बर्ग वो पहले विद्वान थे जिन्होंने पार्टी और फैक्शन में उन्होंने कहा देखिए गुट अलग होता है और पार्टी अलग होती है इन दोनों में अंतर किया भाई गुट अलग होता है पार्टी अलग होती है और उन्होंने पार्टी को एक ऐसा समूह का संगठन बताया जिनके सिद्धांत समान हो और जो राष्ट्रीय हितों के लिए काम करते हों कहा जाता है एडमंड बर्क पॉलिटिकल पार्टीज की परिभाषा देने वाले एक पहले बड़े प्रभावकारी व्यक्ति हैं और एडमंड बर्क ने जो पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा दी है उसमें अगर परिभाषा में देखा जाए तो दिखता क्या है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समूह है जिन ये जो जिसमें समान विचारों के लोग होते हैं और वो राष्ट्रीय हितों की परवाह करते हैं अब ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग परिभाषा है जो एडमंड बर्क ने दी है इसका मतलब है कि भाई ये बात तो ठीक लगती है समान विचारों के लोग हैं ये यहाँ तक तो ठीक है लेकिन क्या राष्ट्रीय दलों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना होता है इस बात में मतभेद है अगर आप रिकर की बात को देखेंगे तो रिकर ने क्या कहा है नहीं रिकर कह रहे हैं कि नहीं भाई दल तो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए काम करते हैं राष्ट्रीय हित जैसा कोई मामला तो बिल्कुल नहीं आता इसका मतलब है एडमंड बर्ग की राजनीतिक दलों की परिभाषा मानकी है मूल्यात्मक है मानकीय मूल्यात्मक का मतलब है कि जब हम कहें क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए तो फिर मानकीय मूल्यात्मक की बात आ जाती है लेकिन जब आप जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे राजनीतिक दलों की परिभाषा में फिर मानकी वाला एलिमेंट अब नहीं रहा कैसे अब चाहे शुमपीटर को देखिए अगर आप शुम को देख रहे हैं शुमपीटर ने भी सुमपीटर ने एडमंड की बर्ग की बात को स्वीकार नहीं किया अच्छा शम्पीटर वैसे ही इकोनॉमिक्स वाले आदमी थे और जो बाजार वाला आदमी होता है वो वैसे भी मूल्य और मानक को नहीं मानता भाई बाजार की तो एक ही फिलोसफी है राम नाम जपना पराया माल अपना यानी फायदा ज्यादा ज्यादा हो हम ज्यादा ज्यादा अपना लाभ कमा सकें बाजार के इथिक्स तो बस यही है बाकी बाजार में कोई इथिक्स चलती नहीं अब शम्पीटर ये कह रहे हैं कि नहीं दल का मूल उद्देश्य क्या होता है शक्ति को अर्जित करना तो जो बात रिकर ने कही वही वही कर रहे करें और इसीलिए दल कोई विचारधारा वाला समूह बिल्कुल नहीं होता दल कोई जैसा विचारधारा वाला समूह बिल्कुल नहीं होता दल पार्टी के दल पावर के लिए काम करता है विचारधारा के लिए नहीं वैचारिक पवित्रता बनाए रखने के लिए बिल्कुल नहीं काम करता तो अब इस बात पे बहुत स्पष्ट हो गया इसका मतलब है अगर तुलनात्मक रूप में दल का अध्ययन किया जाए कि विचारधारा वर्सेस पावर तो दल में मूल बात क्या जाती है शक्ति विचारधारा नहीं तो एडमंड बर्क ने भाई राष्ट्रीय हित की बात तो विचारधारा है इंग्लैंड के विचारक रॉबर्ट मैकेजी ने फिर इस बात का अध्ययन किया रॉबर्ट मैकेजी ने किताब लिखी ब्रिटिश पोलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मैकेनजी ने जो किताब ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़ लिखी 1955 में और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है जैसे कई बार पार्टी का नाम सुनने पर एक अलग अलग फीलिंग आती है जैसे हमारे नहीं ऐसा लगता है कि कोई आम आदमी पार्टी फिर कहा जाए बहुजन समाज पार्टी तो देखने पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसी पार्टी है जो आम लोगों की है एकदम बहुजन की है निचले तबके की पार्टी है ऐसा फील होता है ख़ास ऐसा ही मैकेन ने कहा कि जब हम इंग्लैंड की बात डिफरेंस उनका जो लेबर पार्टी का नाम सुनते हैं और इंग्लैंड में दो एक लेबर पार्टी और लेबर पार्टी दूसरी है कंजरवेटिव टोरी तो जब कंजर्वेटिव पार्टी का नाम आता है तो कंजर्वेटिव पार्टी को देखने से ही ऐसा लगता है कि अच्छा अच्छा कुछ अमीरों की पार्टी कुछ बड़े पूंजीपतियों की पार्टी जबकि लेबर पार्टी का नाम सुनने पाता है कि आम लोगों की पार्टी जिसमें बहुत अच्छा आंतरिक लोकतंत्र होगा आम लोगों को बड़ा सम्मान मिलेगा कई बार ये गलतफहमी आपको हो जाती है मैकेन ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैकेन ने कहा पार्टी हमेशा विशिष्ट लोगों से ही मिलकर बनती है और हर पार्टी का काम एक ही होता है वो पावर अर्जित करने का प्रयास करती है और किसी भी पार्टी में ऐसा आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता कि जहां बहुमत की बात सुनी जाती हो जहां आम जनता की बात को प्राथमिकता दी जाती हो इसलिए इस देश में ना कोई आम पार्टी है न कोई बहुजन है सारी पार्टी एक ही जैसी है सारी पार्टी एक ही जैसी है इसलिए आप देखेंगे हमारे ज्यादा पार्टी का नाम भारतीय जनता दल भारतीय जनता दल हर जगह है जनता दल भाई जनता का ही दल है तो फिर तो जनता की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए तो अब जनता का दल है या खास लोगों का दल है रॉबर्ट मैकेजी की बात की जाए तो नहीं नहीं भाई जनता उनता की बात मत करो सब पार्टी के संरचना एक ही जैसी होती है कार्यप्रणाली एक जैसी हो जाती है और आम आदमी के लिए तो पार्टी में ऐसे जगह हुआ है नहीं और देखिए अब एक ही बात को पांच लोग कह रहे हैं अब सबके नाम तो लिखने जरूरी नहीं एकाध एक, एक रेफरेंस आप दे सकते हैं एकाध रेफरेंस आप दे दीजिए उतना पर्याप्त है बाकी सब नहीं अब ये भी देखेंगे कि फिर रॉबर्ट मिशल्स ने ही बात कही अच्छा रॉबर्ट मिशल्स जर्मन थे और उन्होंने तो बाकायदा जर्मन सोशलिस्ट पार्टी का अध्ययन कर लिया भाई दो तीन फैक्ट आप याद रखेंगे कोई ना कोई याद आ ही जाएगा तो एक रात लिख दीजिए सब चीज़ नहीं लिखेंगे उससे ओमरफ तथ्य का ज़्यादा प्रयोग नहीं अच्छा माना जाता तथ्य का प्रयोग होना चाहिए न भी होना अच्छा नहीं माना जाता लेकिन आप तरीके बैलेंस हमेशा मध्यम मार्ग जो एरेस्टोटल ने बताया है अतिवाद कहीं नहीं चलेगा अतिवाद में घाटा हो जाता है तो रॉबर्ट मिशल्स ने एक बड़ा अच्छा अध्ययन किया क्योंकि बीसवीं शताब्दी के कुछ आरंभिक वर्षों में ऐसा माना जाता था कि जर्मन समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रभाव है और जर्मन समाजवादी पार्टी आम लोगों की पार्टी है वे समाजवादी पार्टी समाजवाद देखने से इनाम दिखता है आम लोगों की पार्टी तो जब ये आम लोगों की पार्टी है ऐसा दिखता था तो रॉबर्ट मिशल्स ने कहा अच्छा जरा हम देख ही लेते हैं क्या वाकई आम लोगों की पार्टी है क्या ये तो उन्होंने जो अध्ययन किया उनका ना, ना ना कोई भी पार्टी आम लोगों की बिल्कुल नहीं होती अगर हम ये समझ रहे हैं कि पार्टी आम लोगों की है तो शायद फिर हमारी समझ पर्याप्त नहीं है तो वो वो जर्मन समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो पार्टी का अपना एक संगठन होता है तो मिशल्स ने क्या कहा कि जहां भी एक समूह बनेगा संगठन बनेगा वहाँ केवल थोड़े से लोग ही अल्पसंख्या में लोग ही आ पाएंगे इसी बात को मिशल्स कहा करते थे गुट तंत्र का लोह नियम यानी जब भी याद रखिए लोह नियम क्या है जो अपरिवर्तनशील है बदला नहीं आ सकता जब भी संगठन बनेगा संगठन में केवल कुछ लोग आएंगे और आएंगे कौन से लोग विशेषज्ञ आएंगे कौन से लोग प्रभावकारी यानी संगठन में बहुमत के लिए कोई जगह नहीं होती संगठन में आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती इसलिए जहां संगठन बनेगा वहां अल्पतंत्र ही बनेगा की ही बनेगी इसलिए उनका प्रसिद्ध कथन भी थार इज ऑर्गेनाइजेशन देर इज ऑलिगेरिकी तो मिशेल्स ने बात प्रूव कर दी और अब देखिए ऑटो क्रिचाइमर ऑटो क्रिचाइमर तो एक विचारक है जिन्होंने ये कह दिया कि भाई देखो वो जमाना चला गया कि जब एक विचारधारा की बात होती थी और कोई पार्टी दक्षिणपंथी थी कोई पार्टी बामपंथी थी वो सब बातें बेकार हो गई आज तो पार्टी का एक ही नाम है कैच ऑल पार्टी तो क्रिचाइमर ने क्या कहा है आज के पार्टी का केवल एक ही नाम है जिसका नाम है कैच ऑल पार्टी कैच ऑल पार्टी का मतलब है आज कोई भी राजनीतिक दल हो वो हर व्यक्ति का वोट लेना चाहेगा और हर व्यक्ति के वोट लेकर फिर वो सत्ता में आना चाहेगा इसलिए अगर ये पूछा जाए कि विचारधारा और विचारधारा और शक्ति में पार्टी में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उत्तर क्या आएगा उत्तर आएगा विचार धारा नहीं बल्कि शक्ति पावर सीकिंग अब उसी में रॉबर्ट मैकेजी का, का नाम आप लिख दीजिए मिचल्स का नाम लिख दीजिए आप किरचाइमर का नाम लिख दीजिए यह आपके ऊपर निर्भर करता है अब इसी इसी बहाने आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि पार्टी चाहे जैसी हो वो लगभग काम वैसे ही करती है तो यह है विचारधारा यह पहला डिबेट का पार्ट है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में विचारधारा की बात है या शक्ति की बात है दूसरा संरचना संरचना की बात के अध्ययन करने वाले विचारक का पहले हमको फैक्ट बता दें संरचना की बात के अध्ययन करने वाले विचारक जो मुख्य है वो माना जाता है डुवरजर मॉरिस डूवर्जर ने बाकायदा संरचना के माध्यम से पार्टीज को समझने का प्रयास किया इधर यहां भी भाई भी आप देखेंगे अभी कंपेटिव पॉलिटिक्स में एक कमी तो बार बार दिखती है कि भाई मार्क्सवादियों का तो कोई अध्ययन होता ही नहीं भाई मार्क्सवादी पार्टी का भी तो अध्ययन होना चाहिए इधर संख्या के आधार पे हम इस बात को देखेंगे डुवर्जर ने थोड़ा इस बात को प्रयास किया है डुवर्जर ने प्रयास किया है हम ऐसा नहीं कह सकते तो जो डुवर्जर ने कहा अब जो कॉकस है ब्रांच है शिल है मिलेशिया है ये डुवर्जर ने कहा कि पार्टी को संरचना के आधार पे इन स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें मेंबर कितने हैं भाई स्ट्रक्चर का मतलब क्या है स्ट्रक्चर की बात उसके मूल एलिमेंट क्या हैं उसके मेंबर कितने हैं पदाधिकारी कितने हैं आम लोगों की भूमिका क्या है इसी के आधार पर उसका स्ट्रक्चर हम देखा विचारधारा का मतलब क्या है उसके विचार क्या है उसके मत क्या है ये विचारधारा है संरचना विचारधारा में तो फर्क है संरचना का मतलब है कि उसमें पार्टी में कितने लोग हैं किसकी क्या हैसियत है पार्टी के लोगों के बीच रिलेशन क्या है और चूँकि पार्टी पार्टी होती क्या है सरकार और आम जनता के बीच का लिंकिंग पॉइंट इधर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि हम पार्टी विहिन लोकतंत्र बना लेंगे महात्मा गांधी जी जयप्रकाश नायण राय हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे और हैरान तो ये मानेंगे कि अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन जैसे लोग भी आरंभिक रूप में पार्टी को देख खेचकते थे उनको लगता था नहीं नहीं मैं पार्टी देखिए पार्टी का जो नकारात्मक मतलब जैसे आपने सुना नहीं है नकारात्मक मतलब किया जाता है अच्छा पार्टी बाजी हो रही है तो पार्टी का मतलब आने से ही कुछ बड़ा अजीब सा फील होता है इसलिए कई लोग तो पार्टी को बड़े ही अजीब तरीके से देखते हैं कि अरे वो पार्टी मतलब समथिंग नेगेटिव कुछ ऐसा जो नकारात्मक है कुछ ऐसा जो नकारात्मक है तो इसलिए लोग नहीं मानते कहते पार्टी तो बेकार है लेकिन आज के लोकतंत्र की या दुनिया में कहीं भी चले जाए शासन लोकतांत्रिक होना ना पार्टी वहां ही है तो पार्टी में कैसे हम संरचनात्मक आधार पे डिवीज़न करते हैं तो दलों का संरचनात्मक वर्गीकरण संरचनात्मक का मतलब समझ लीजिए कि संगठन की दलों को संरचना के आधार पर किस तरीके से बांटा जा सकता है स्ट्रक्चर के आधार पे हम कैसे विभाजित कर सकते हैं तो यह बात डुवर्जर ने बताई और डुवर्जर ने कहा कि डुवर्जर ने जो दल बताया वो पहला है ब्रांच ब्रांच दूसरा कॉकस तीसरा सेल चौथा मिलिशिया, चौथा मिलिशिया। तो एक ही बात कहने का डुअर्जर ने इसी को अन्य तरीके से भी कहने का प्रयास किया लेकिन जब कहते हैं दल की संरचना संरचना का मतलब है दल में कितने लोग हैं संगठन यानी नेता कौन है उसका आम जनता संबंध कैसा है दल के रिलेशन लोगों से कैसे है इसी बात को हम संगठन या संरचना के रूप में जानते हैं जैसे कि संगठन या संरचना एक ही शब्द है जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर लें जैसे कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बीजेपी में देखेंगे तो इनके अखिल भारतीय संगठन है प्रांतों की इकाइया है जनपद परिषद हैं तो पार्टी का संगठन पूरे देश में फैला होता है और उस संगठन का आम जनता संबंध है फिर उसका नेतृत्व तो है इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में व्यक्त करते हैं तो डुवर्जर ने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूरोपीय दलों के बीच में कंपेरिजन का प्रयास किया और ब्रांच का मतलब है कि उन्होंने इसमें यूरोपीय समाजवादी दलों को या यूरोपीय राजनीतिक दलों को रखा और खासतौर पे जहाँ भी लोकतंत्र होता है जैसे कि भारत में भी आप देखेंगे तो वो ब्रांच के रूप में पाया जाएगा और इसी ब्रांच को उन्होंने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया तो डुवर्दर के हिसाब से ये ब्रांच जिसे वो ब्रांच पार्टी कह रहे हैं उसी का अगला नाम ये भी हो सकता है कि मास पार्टी नाम से दिखता है ब्रांच का मतलब है ऐसी पार्टी संगठन में जहां संगठन का विस्तार किया जाएगा संगठन में आम जनता की भागीदारी की जाएगी संगठन हमेशा सक्रिय रहेगा आम जनता को शिक्षित करेगा आम जनता को अपने पास जोड़ने का प्रयास करेगा ऐसी पार्टियों की ब्रांच यानी हमेशा अपनी सदस्य संख्या बढ़ाता जाएगा और इसलिए मास इसी को मास पार्टी कह सकते हैं कि पार्टी का उद्देश्य क्या होगा अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना जनता को जोड़ते जाना अपना संगठन बड़ा करना ये उद्देश्य है मास पार्टी का इस ब्रांच पार्टी का तो भारत में आप देखेंगे मास पार्टी ये तो है कि पार्टी अपना सदस्यता बढ़ा रही है हर पार्टी अपना विस्तार करना चाह रही है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टी होना चाहती हैं तो इसी को आप मास पार्टी कह लीजिए जबकि एक दूसरी पार्टी है अब तो ऐसा बहुत कम दिखता है लेकिन अमेरिका की पार्टी को डुवर्जर ने कॉकस या इसी का दूसरा भी नाम है कैडर पार्टी यानी पार्टी का जुड़ाव आम जनता से बहुत कम होता है और अमेरिका में तो कहा भी जाता था कि पार्टी जो है वो चार साल में एक बार बरसाती मेंढक की तरह बिल्कुल दिखती है क्योंकि चुनाव हुआ और पार्टी काम खत्म तो पार्टी काम आम जनता से जुड़ना आम जनता को ट्रेनिंग देना आम जनता को अपनी विचारधारा बताना इससे कम होता है पार्टी का मूल सरोकार है कैसे हम चुनाव जीत लें और इसलिए पार्टी बहुत व्यावसायिक लोगों का संगठन है उसमें प्रशिक्षित लोग होते हैं प्रभावशाली लोग होते हैं जो पार्टी को चुनाव जितवाने का काम करते हैं और चुनाव ख़त्म हो गया पार्टी काम खत्म चुनाव खत्म हो गया पार्टी काम खत्म तो इस तरीके से इन्होंने कॉकस की व्याख्या की अब सेल में उन्होंने साम्यवादी दल आए तो वो स्वाभाविक सा, रूप में साम्यवादी दलियों दलों का एक जनाधार पार्टी एक जनाधार भी होता है ब्रांच पार्टी क्या है समाज के सभी संगठनों को अपने पास खींचेगी या ब्रांच पार्टी को ही अगर आप करचाइमर की भाषा में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कैच ऑल पार्टी तो मास पार्टी का उद्देश्य क्या है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास जोड़ा जाए पार्टी से जोड़ा जाए फिर चुनाव लड़ा जाए ये उद्देश्य है मांस पार्टी का जबकि इस का मतलब है कि साम्यवादी दल लोगों को जोड़ने के बजाय कुछ खास लोगों को जोड़ने की वकालत करते थे खासतौर पर श्रमिक जो श्रमिक वर्ग है जो मजदूर वर्ग है जो उनकी विचारधारा को मानता है तो उस श्रमिक वर्ग को आप जनाधार बनाकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते थे इसका नाम है सेल ये कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में डूवरजर कि ने तो बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी एक विचारधारा पर काम करती है वो अपने समर्थन के लिए श्रमिकों पर आधारित होती है ये हो सकता है आज के लिए सच ना हो भारत के लिए क्योंकि कोई भी पार्टी अगर केवल श्रमिकों का समर्थन लेगी तो कैसे चुनाव जीत पाएगी और आज तो जमाना बदल गया आज तो श्रमिकों से ज़्यादा जो ये मध्यम वर्ग आ गया है जो प्रबंधक वर्ग आ गया है इंजीनियर डॉक्टर टीचर्स एडवोकेट तो इसकी बात तो परंपरागत मार्क्सवादी चिंतन में नहीं थी क्योंकि वो समाज को सीधा दो वर्गों में ही बांट देते थे उसके बाद अब देखेंगे मिलिशिया अगला मिलिशिया मिलिशिया का इन्होंने फांसीवादी दलों को मिलिशिया की श्रेणी में रखा उन्हें फासिस्ट पार्टी को मिलिशिया की श्रेणी में रखा और देखेंगे मिलिशिया का सहयोग की बात है जो फासिस्ट पार्टी है और जहाँ पे साम्यवादी दल पाए जाते हैं वो एक ही दल की सरकार को चलाते हैं ये जब डुवर्जर कहना है डुवर्जर किसी साम्यवादी देश का अध्ययन नहीं कर रहे थे बल्कि वो साम्यवादी पार्टी का अध्ययन कर रहे थे तो इस बात में फर्क है मिलिशिया जो पार्टी होती है फांसीवादी जैसे मोसोलनी का दल था हिटलर का दल था तो वो एक व्यक्ति का दल हुआ करता था उसमें अनुशासन बड़ा तगड़ा था यानी जबकि सामान्यतः दल जब होता है जब हम संगठन की बात करते हैं संरचना की बात करते हैं तो संरचना के साथ साथ दल की विचारधारा होती है दल में एक लोगों का समूह होता है और मिलशा पार्टी में ऐसा नहीं था फांसीवादी दलों में हर बात हिटलर और मुसोलिनी की इर्द गिर्द घूमती थी यानी बड़ा व्यक्ति पूजा था और अनुशासन तो सेना जैसा पाया जाता था कि जो बात हिटलर ने कह दी मसूल् ने कह दी वही बिल्कुल स्थिति हो जाती थी इसीलिए डुवर्जर ने यूरोपीय दलों का अध्ययन करते हुए चार प्रकार के दल के रूप में उन्हें विभाजित किया अब कहने के अलग अलग तरीके हैं जिसे हम फिर हमने कहा मास पार्टी अब कह लीजिए डुवर्जर ने उसी बात को मास पार्टी भी कहा ब्रांच भी कहा कॉकस कह लीजिए कैडर पार्टी अच्छा नाम से दिखता है कॉकस कॉकस का मतलब ही होता है थोड़े लोगों का समूह काकस का मतलब मान लीजिए गुट और फिर कैडर पार्टी कैडर का स्वाभाविक मतलब है कि प्रशिक्षित लोगों का समूह व्यावसायिक लोगों का समूह एक प्रशिक्षित तो और व्यावसायिक लोगों का समूह यह कैडर पार्टी तो इस तरीके से संरचना के आधार पर डुवर्जर ने ये विभाजन करने का प्रयास किया अब पॉलिटिकल पार्टीज को अभी यही बात देखिए यही आपको स्लाइड में भी लिखा गया है यही आपको स्लाइड में भी लिखा गया है तो फल मिला के जो उन्होंने अध्ययन करने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम विभिन्न दलों के अध्ययन को देखें यही तो कंपेरेटिव है अब आप पूछेंगे कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं तो भारत की पॉलिटिकल पार्टी सही मायने में यह लोकतंत्र है जो कि हर पार्टी मास पार्टी बन गई है और इसे करशाईमर की बात आप हर जगह उल्लिखित कर सकते हैं कि आज की पार्टी इस कैसी है कैच ऑल पार्टी कैच ऑल पार्टी और आज तो आप जानते हैं कि फेसबुक का ज़माना है ट्विटर का ज़माना है बड़ा आधुनिक ज़माना गया है तो पियान बेनको ने कहा है कि आजकल तो पार्टी बड़ी प्रोफेशनल है अब देखिए आजकल तो पार्टी का प्रबंध बड़े हाई फाई लोग कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो बड़े प्रबंधक हैं वो आई टी सेल पार्टी का अलग है फेसबुक ट्विटर मीडिया उन पर सारी प्रचार करना प्रोपेगेंडा करना इसे आदि की पार्टीज़ तो पियान ए बैनकों के अनुसार वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल पार्टीज हैं जो चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े प्रबंधकों को ऐसे हायर कर रही हैं जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने संगठन में लोगों को हायर करती हैं तो समय के साथ पार्टी का बदला अन्यथा जब दिल्ली के पहले चुनाव हुए थे तो यहाँ पे या यह भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसकी तस्वीर आप देखेंगे तो लोग बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार करने जाते थे आवाज चीज़ें फेसबुक व्हाट्सएप तक आ गई तो ये बड़ा परिवर्तन है तो जैसे समाज बदलेगा जैसे देश बदलेगा पार्टीज भी बदलेंगे तो ये इस बात को डिवर्जन ने दिखा है कैसे पार्टीज होती है और फिर हम पार्टी की संख्या के आधार पर डिवीज़न करेंगे लेकिन इस डिवर्जर की पार्टी के साथ क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये तो समस्या हमेशा आती है अब देखिए पार्टी से कंपेयर कर ले तो अपने आप चीज़ों को हम देख लेंगे लेकिन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में लोग ये कहा करते हैं भाई मार्क्सवादी को जो तो हम साइड लाइन करके चलते हैं पूरे चिंतन में ये मान के चलते हैं भाई चलो उदारवादी चलते हैं मार्क्सवादी तो हम देखते नहीं ये आलोचना बार बार की जाती है अब इस आलोचना को हम दूर कैसे करें अब एक ये भी आप कह सकते हैं भाई पार्टी सिस्टम में फिर भारत जैसे देशों की विकासशील देशों के दलों की बात कहाँ की गई तो विकासशील देशों की बात हम अलग से आपको बता देंगे क्योंकि भारत में है बहुत सारे हमारे यहाँ विचारक हैं जो विकासशील देशों के दलों की बात करते हैं लेकिन अगर हम और दलों की बात करें तो तीसरा डिवीज़न है यानी पार्टी का डिवीज़न हमने किन आधार पर किया इसको जरा हटा दें अभी तक हमने जो दलों का विभाजन किया जो हमने दलों का विभाजन किया, वो किस तरीके से करने का प्रयास किया वह जो पहला तरीका था कि वो हमने किया कि विचारधारा के आधार पे, कि दलों में विचारधारा का प्रभाव होता है या संगठन का प्रभाव होता है दूसरी बात दूसरी बात हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया पहला विचारधारा के आधार पे दूसरा फिर संगठन के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे फिर तीसरी बात कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया फिर तीसरा एक विचारधारा है दूसरा संगठन तीसरा फिर हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम दलों को हम दलों को संगठनों विचारधारा के बजाय हम किस तरीके से इसे संख्या के आधार पर देखें मात्रा के आधार पर देखें दलों को संख्या या मात्रा के आधार पर देखा जाए ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम कैसे मात्रा के आधार पर देखें संख्या के आधार पर देखें तभी तो तभी तो दलों का विभाजन हमें समझ में आएगा तभी तो हम दल का विभाजन सही मायने में समझ पाएंगे दो चीज हमने देख ली विचारधारा के आधार पर संगठन के आधार पर पहला कंपेरिजन देख लिया फिर उसके बाद का कंपेरिजन कैसे देखें मात्रा के आधार पे संख्या के आधार पे तो जब हम संख्या के आधार की बात करते हैं तो कैसी पार्टीज हो सकती हैं? संख्या के आधार पे बात करेंगे तो पार्टी फिर कैसी होगी पहला संख्या के आधार पहली पार्टी होगी मार्क्सवादी देशों में यानी जहां पे मार्क्सवादी शासन होता है और मार्क्सवादी शासन के बारे में जो पार्टी की बात कही है वो सबसे बढ़िया व्याख्या लेनिन की है मार्क्सवादी दलों के बारे में जो पार्टी का उल्लेख किया गया है वो सबसे बढ़िया व्याख्या लेनिन की है और लेनिन ने किस तरीके से पार्टी का जिक्र किया है उन्होंने इसे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का नाम दिया है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन बात याद रखिए मार्क्सवादी शासन में दल कितने पाए जाते हैं मार्क्सवादी शासन एक दलीय शासन को मानते हैं वन पार्टी गवर्नमेंट आपको फिर याद दिला दे मार्क्सवादी शासन में सबसे बढ़िया चित्रण डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के रूप में किया गया लेनिन ने और लेन का कहना था कि देखो भाई मार्क्सवादी एक का पार्टी है और सरबहारा वर्ग की अग्रपंक्ति ऐसा लेनिन कहा करते थे लेन का करते थे पॉलिटिकल पार्टी के इट इज वेन गार्ड ऑफ प्रोलीटेट प्रोलेटेरियट ये सर्वहारा वर्ग की अग्र पंक्ति है फ्रंट लाइन ऑफ प्रोलीटेरियट सर्वहारा वर्ग का अगर वेन गार्ड वी ए एन जी यू ए आर डी वेन गार्ड है अब अगर ये अगली पंक्ति है सर्वहारा वर्ग का अगला पंक्ति है तो सर्वहारा वर्ग को चर्चा करने का समय मिलेगा पार्टी में संगठन की बात होगी चर्चा करने का समय मिलेगा उसके बाद ही कोई निर्णय होगा इसलिए लिन कहा करते थे कि पार्टी का स्वरूप ऐसा होगा इस तरीके का पहले सर्वहारा के लोग आएंगे आम सर्वहारा रहेगा फिर उसमें संगठन बनेगा फिर उसकी सेंट्रल कमेटी होगी पोलित ब्यूरो होगा पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी होगी फिर पार्टी का महासचिव होगा तो साम्यवादी दलों में भी ये तो मानना पड़ेगा कि हर जगह दल तो यहाँ पे मिशेल की बात आ जाती है मिशल्स की बात कि सही मायने में कोई दल सर्वहारा से मिलकर बनता नहीं मिशल्स का ये तो कहना है हर जब हर बात को कंपैरिजन के रूप में देखेंगे मिशल्स का कहना है कोई दल सर्वहारा का बनता ही नहीं दल तो स्वाभाविक रूप में सर्वहारा का नहीं होता दल तो हमेशा विशिष्ट लोगों का होता है ये बात तो आप साम्यवादी दलों में भी देख सकते हैं भले वो कहा करते सर्वहारा सर्वहारा क्योंकि साम्यवादी दलों का एक संगठन था ही तो संगठन कैसा था जहाँ पे आम कार्यकर्ता थे इधर संगठन था आम कार्यकर्ता था फिर उसके बाद उसकी साम्यवादी दलों की एक सेंट्रल कमेटी होती थी एक केंद्रीय समिति होती थी या अभी भी होती है जहाँ भी साम्यवादी दल है फिर पोलित ब्यूरो होता है यानी पॉलिटिकल ब्यूरो फिर पोलित ब्यूरो होता है और पोलित ब्यूरो का अपना एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और उसके बाद पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी उसके बाद सबसे ऊपर महासचिव साम्यवादी दल का महासचिव इस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सारे सरबारा वर्ग के लोग पार्टी में आ जाएंगे ऐसा कहना ठीक नहीं है तो मिसल्स कहा करते थे भाई ये तो कहिए तो हम मान सकते हैं कि पार्टी सब लोगों के लिए काम करेगी चलिए ये तो मान लेंगे लेकिन पार्टी आम लोगों का संगठन है ऐसा कहना तो बड़ा कठिन है इसलिए कहा जाता है कि मैक्स पेबर ने भी बात कही थी कि भाई जब भी कोई समूह बड़ा होगा तो उसे आम जनता तो नहीं चला पाएगी उसे संगठन ही चला पाएगा मिशल्स ने इसे लोह नियम का दर्जा दे दिया लेकिन अगर हम मार्क्सवादियों की बात करें तो पहला मार्क्सवादी सिस्टम में एक दल पाया जाता है एक दली शासन एक दली का मतलब है भाई मार्क्सवादियों की मान्यता है कि एक ही विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है साम्यवाद और साम्यवाद के अलावा कोई दल हो ही नहीं सकता क्योंकि मार्क्सवादियों की यहाँ पे समझ जो है वो उदारवादी चिंतन से अलग है मार्क्सवादी कैसे मानते हैं मार्क्सवादी व्यवस्था में तो दल ही बड़ी केंद्रीय भूमिका में होते हैं मार्क्सवादी व्यवस्था में दल बड़ी केंद्रीय भूमिका में होते हैं जैसे आप देखेंगे मार्क्सवादी में चीन जैसे देश का एग्जाम्पल हम दे दें अभी सोवियत संघ में तो रहा नहीं तो चीन में तो साम्यवादी जो दल है तो पहला तो एक दल होता है एक दल का मतलब है यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक दिलीप प्रणाली नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि इनकी मूल मान्यता है कि समाज में लोगों का हित तो एक ही है इनकी ऐसी मान्यता अनेक, अनेक वर्ग है अनेक वर्ग के हित आपस में टकराएंगे अनेक वर्गों के हित आपस में टकराएंगे और उसके बाद फिर निर्धारित होगा कि कौन सही है कौन गलत है मार्क्सवादी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते उनका कहना है समाज में हितों का टकराव ही तो हमें खत्म करना है और हितों का टकराव होता कैसे है क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां असमान हैं और जैसे हम अर्थव्यवस्था समान कर देंगे एक जैसी आर्थिक स्थिति लगा देंगे तो हितों के टकराव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हितों का टकराव कभी होगा ही नहीं इसलिए साम्यवादी दल हमेशा एक दलीय व्यवस्था की बात किया करते थे मैं प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा की जरूरत ही नहीं है संघर्ष की आवश्यकता नहीं है साम्यवादी संघर्ष का समूल खात्मा करने की बात करते थे इसे चीन की बात देखेंगे तो साम्यवादी दल ही तय करती है कि विधायिका में कौन जाएगा यानी विधायिका का सदस्य कौन होगा साम्यवादी दल तय करेगी कार्यपालिका में कौन जाएगा साम्यवादी दल ये बात तय करेगी न्यायपालिका का मेंबर कौन बनेगा साम्यवादी दल ये बात तय करेगी और यहाँ तक कि आपके यहाँ संसद में भी कौन जाएगा ये मान्यता साम्यवादी दल ही सुनिश्चित करेगी तो सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है साम्यवादी दलों के ये ये बात है एक दलीय व्यवस्था में एक तो प्रतिस्पर्धात्मक दल नहीं है प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत ही नहीं है और ये मानते हुए प्रतिस्पर्धा का पूरा विचार तो पूंजीवादी बुर्जुआवादी है इसलिए इनकी समाज की समझ उदारवादियों से अलग है उदारवादी अलग किस्म के समाज की बात करते हैं मार्क्सवादी कहते है, नहीं भाई साम्यवादी दल ही सबको प्रेरणा देगा इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि दलों से लगाव रखिए नहीं नहीं दलों का पार्ट हो यहां तक कि सेना भी क्योंकि चीन के राष्ट्रपति सी सिंगपिंग वो सेंट्रल मिलिट्री कमांड के भी हेड है और इसीलिए साम्यवादी देशों में दल का बड़ा प्रभाव होता है दल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम करती है जबकि आप देखेंगे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में दलों की भूमिका अलग किस्म की होती है पहला भाई उदारवादी देश की मान्यता उदारवादी विचारधारा साम्यवादियों से इस मामले में अलग है कि उदारवादी मानते हैं समाज में समू है, अनेक समूह हैं, अनेक समूह है तो लोगों के अलग अलग हित हैं अब अलग अलग हित हैं तो समाज में संघर्ष होना बड़ा स्वाभाविक है अब इसलिए हर समूह को अब उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं तो लोकतंत्र तो कहता है एक समूह बना लिए संगठन बना लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में बात है समूह और यूनियन एसोसिएशन बनाने का अधिकार इसे लोकतांत्रिक देशों में समूह संगठन बनाना ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है अभिव्यक्ति आजादी का भाग है तो उदारवादी देशों में समूह संगठन कई बन जाएंगे जो चाहे वो बना ले अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई यहाँ पे तो सीधी सी बात है साम्यवादी दल अगर कोई और दल आना भी चाहता है ऐसे कई बार आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि नहीं चीन में तो कई दल काम करते हैं कई दल केवल दिखावटी के हैं दल तो वहाँ एक ही है साम्यवादी अब साम्यवाद के नाम पे कोई अलग अलग दल बना लेना चाहता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन उसके अलावा कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती साम्यवाद का विरोध संभव ही नहीं है जबकि यहाँ पे उदारवादी में क्या होता है देखिए उदारवाद में दल की भूमिका अलग होती है एक तो नागरिक समाज है या भाषा में कह लें समाज है एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ सरकार है एक तरफ समाज है दूसरी तरफ सरकार है और बीच में क्या है राजनीतिक दल तो राजनीतिक दल क्या करता है समाज की समाज की मांग को कहां पहुंचा देता है सरकार तक सरकार की नीतियों को कहां पहुंचा देता है समाज तक तो यह पार्टी की भूमिका होती है और एक ही दल नहीं होता प्रतिस्पर्धात्मक दल होता है प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब है दो दली भी हो सकता है बहुदली भी हो सकता है और एक दली भी हो सकता है इसे उदारवादी देशों में पार्टी सिस्टम कैसा चलता है प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पटिटिव चलेगा कॉम्पटेटिव तरीका चलता रहेगा इसका मतलब है कि भाई आज एक दल है कल दूसरा हो जाएगा जैसे भारत में क्या है प्रतिस्पर्धात्मक दल है कितने दल यहाँ पे हैं और आप भी चाहें तो आप दल बना ही सकते हैं और दल ही बनता है इसीलिए एक हम लोकतंत्र हैं और ये फंडा में और समाज में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं समूह हैं तो हर समूह को हर विचार को हर क्षेत्र को अपने अनुसार राजनीतिक दल बनाने की इजाज़त दे दी जाए ऐसा उदारवादी मानते हैं मार्क्सवादी ऐसा नहीं मानते इसलिए अगर दोनों ग्राफ को देखिए मार्क्सवादी मानते हैं दल की भूमिका केंद्रीय होगी दल सबको निर्देशित करेगा दल के द्वारा सभी का निर्देशन होगा चाहे सरग विधायिका हो कार्यपालिका हो न्यायपालिका हो सबका निर्देशन दल के द्वारा होगा इनकी मान्यता अलग है कि नहीं नहीं दल दल तो सही मायने में एक मध्यम वर्गीय समूह है एक अपने आप में बीच का स्तर है जहाँ पे सरकार समाज समाज सरकार के बीच एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और आपस में कॉम्पिटिशन चलता रहता है इसलिए ये पूरी व्यवस्था को मार्क्सवादी उदारवादी अलग अलग तरीके से देखते हैं अगर हम इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि इसलिए इस संदर्भ इस में देखिए तो मार्क्सवादी व्यवस्था में दल प्रणाली कैसी होती है एक दल ही यानी वहाँ बाकी गैर मार्क्सवादी दल को काम करने का आयता ही नहीं है और लोकतांत्रिक इसमें क्या है आप कहेंगे लेनिन ने क्या कहा लोकतांत्रिक क्या है लोकतांत्रिक इसलिए है कि लेनिन ने कहा था भाई यहाँ पोलित ब्यूरो की बैठक होगी तो पोलित ब्यूरो की बैठक में अनेक मेंबर होंगे पुलिस ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी होगी तो पुलिस ब्यूरो की बैठक होगी तो वह हर मुद्दे पर चर्चा होगी और ये बात लेनिन के बारे में कहा भी जाता था कि लेनिन तो भारत के एम एन राय से बैठ के चर्चा कर रहा था कि कैसे उपनिवेशवाई देशों में क्रांति की जाए तो लेनिन के बारे में तो कहा जाता है कि हाँ वो चर्चा पर लोकतंत्र पे बल देता था ये हम इनकार नहीं कर सकते वो बात कहा करता था लेकिन बाद में वैसी चीज़ें नहीं रही स्टालिन जब आ गया तो लोकतांत्रिक कम रहा केंद्रीकरण ज्यादा हो गया तो ये लोकतांत्रिक क्यों है क्योंकि पार्टी के मंच पे हर विचार को पार्टी के जितने नेता है हर विचार का मतलब साम्यवादी विचार विरोधी विचार नहीं तो साम्यवादी विचार में ही कोई निर्णय लिया जा रहा है तो आपस में विचार विमर्श होगा लेकिन अगर एक बार निर्णय ले लिया गया तो केंद्रीकरण का मतलब है जो उच्च स्तर पर निर्देश आएगा नीचे सभी को मानना पड़ेगा तो अनुशासन मानना पड़ेगा फिर उस निर्णय से असहमत कोई व्यक्त नहीं कर सकता ये निर्णय लेने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी लेकिन निर्णय को लागू कराने में केंद्रीकरण होगा और आलोचना तो यही लगती है कि लेरिन में लेरिन भले ही लोकतांत्रिक रहा हो बाद में तो केंद्रीकरण हो गया और बाद में तो व्यक्ति की पूजा साम्यवादी देशों में भी आ गई और ये तो अभी चाइना के लिए कहा जाता है कि भाई माओ था या इसके पहले डेंग श्यवपिंग जो सबसे बड़े नेता चीन में तीन सबसे बड़े नेता साम्यवादी दल के हुए माओ डिंग शाओपिंग और भी सी सिंगपिंग तो सी सिंहपिंग ने जैसा सत्ता केंद्रीकरण कर रखा है और सी पिंग में तो वाकई उसके पहले डिंग शॉपिंग के बारे में कहा जाता था कि डिंग शॉपिंग सभी से पूछता था बात करता था चर्चा करता था उसके बाद कोई निर्णय लेता था आज सी सिंह के बारे में तो ये कहा जाता है कि सारी शक्ति उन्होंने केंद्रीकृत कर ली कर ली है तो सैद्धांतिक रूप में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण केंद्रीकरण ही बचा लोकतांत्रिक तो उसमें से कहीं ना कहीं गायब हो गया लोकतांत्रिक हिसक गया लेकिन मार्क्सवादी प्रणाली ऐसी होती है अब जरा देखेंगे तो यह, यहाँ प्रतिस्पर्धा तो होती नहीं एक ही पार्टी है एक ही चुनाव है और चीन जैसे देशों में चुनाव होता है लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है एक उम्मीदवार है चयन करना है चयन कर लीजिए एक ही पार्टी है तो आपके सर इसमें कौन सा चयन करना है एक ही पार्टी क्या चयन करें अभी आपकी मर्जी है चयन करिए ना करिए पार्टी देखिए दूसरा अब जरा उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में देखेंगे तो पार्टी कैसी होती है पार्टी कैसी होती है अब यहां हो सकता है कि द्विदलीय पार्टी हो द्विदली शासन हो अब द्विदलीय शासन का क्लासिकल एग्जाम्पल अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देश माने जाते हैं इंग्लैंड में देखो तीसरा दल भी निकलने का प्रयास कर रहा है फिर भी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को क्लासिकल माना जाता है दो दलीय प्रणाली यहाँ पे बात ध्यान रखने की है क्योंकि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक देश है कोई भी जो देश लोकतांत्रिक देश होगा उसमें दलों की संख्या पर हम कभी नियंत्रण नहीं कर सकते कई बार भारत में बात होती रहती है कि यार इतने दल क्यों हैं दलों की संख्या को नियंत्रित कर दिया जाए अभी बात बेसिक समझने की है कि जो भी लोकतांत्रिक देश होगा वहाँ दलों की संख्या को हम कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि दल बनाना तो हमारा फंडामेंटल राइट है समूह बना लेंगे संगठन बना लेंगे ये हमारा मूल अधिकार है इसको कोई छीन सकता ही नहीं तो फिर ये दो दल का मतलब क्या होता है जब हम दो दली व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका ये मतलब हम कहते हैं कि दल तो कई हैं, चुनाव लड़ चुनाव में भागीदारी वाले कई दल हैं, दलों का निर्माण तो कई है लेकिन जो दल चुनाव जीतते हैं यानी जो सीट जीतते हैं या तो वो सीट जीतते हैं वो दो हैं या तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतों का प्रतिशत मिलता है वो दो है या तो सीट ज्यादा जीतते हैं या तो मतों के प्रतिशत ज्यादा प्राप्त करते हैं इसलिए वो दो है इसलिए वो दो है इसलिए कहा गया कि भाई ये टू पार्टी सिस्टम है द्विदलीय व्यवस्था है द्विदलीय शासन है दल तो कई हैं अमेरिका में तो कहा जाता है साम्यवादी दल भी है लेकिन आज तक साम्यवादी दल अमेरिका में कभी उभर नहीं पाया साम्यवा दल कभी उभर नहीं पाया और अमेरिका जैसे देश में समाजवाद कभी प्रभावी रहा ही नहीं इसलिए अमेरिका में जो दो दल हैं उनमें भी कई बार तो जहाँ जहाँ दो दल होते हैं वहाँ भी विचारधारा का अंतर होता है कोई रूढ़ीवादी है कोई उदारवादी है अमेरिका में तो ऐसा नहीं है अमेरिका में तो इसलिए कहा भी जाता है वहाँ तो एक ही पार्टी है रिपब्लिकन कम डेमोक्रेट वैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में थोड़ी तकनीकी अंतर होते हैं कि रिपब्लिकन थोड़ा रूढ़ीवादी होते हैं डेमोक्रेट थोड़ा सा कल्याणकारी कामों के समर्थक होते हैं रिपब्लिकन ज़्यादा बाजारवादी नीतियों के समर्थक हैं डेमोक्रेट थोड़ा मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ज़्यादा बल देते हैं ये तकनीकी अंतर आप कर सकते हैं लेकिन वैसा कोई वैचारिक अंतर नहीं है जैसे भारत में मार्क्सवादी दल है बीजेपी है दक्षिणपंथी वामपंथी वैसा डिवीज़न अमेरिका में कभी रहा ही नहीं वैसा वैचारिक डिवीज़न नहीं रहा अब आप देखेंगे अगर दो दली प्रणाली का मतलब है तो ये हमेशा याद रखिए लोकतांत्रिक देश में उदारवादी देश में दो दल हो ही नहीं सकता यहाँ दलों की संख्या ही निर्धारित नहीं होगी तो जब हम दो दल कहेंगे इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव में जिन्हें सफलता मिलती है वो दो है चुनाव में जो ज्यादा ज्यादा सीट पाते हैं वो दो है जो ज्यादा ज्यादा मत पाते हैं वो दो है अन्यथा तो यहाँ अनेक दल है चुनाव भा... भाई किस्मत आजमाइए है इन्हें ओलंपिक रेस दौड़ने के लिए सबको फ्री है लेकिन जीते कोई दो ही आदमी तो यह दो दलीय प्रणाली अगर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है डुवर्जर ने एक और बात कही अगर दलीय प्रणाली का संबंध जरा चुनाव प्रणाली से लगा के देखिए डुवर्जर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि दलीय प्रणाली का संबंध चुनाव प्रणाली से भी होता है और उन्होंने कहा जहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है आगे हम कहीं आपको पॉलिटीम बता देंगे आगे चल के इसकी चर्चा हम करेंगे तो यहाँ पे अभी इसका उल्लेख हम नहीं करेंगे चुनाव प्रणाली की कंपेटेटिव पॉलिटिक्स जब चुनाव प्रणाली की बात की जाती है डुबर्जर ने कहा दलीय व्यवस्था का संबंध चुनाव प्रणाली से भी होता है कैसे उन्होंने कहा अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आप अपनाते हैं जैसा कि भारत में है जैसा इंग्लैंड में है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अगर हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाते हैं तो वहाँ पे कैसी दली प्रणाली होगी ज़्यादा संभावना है दो दली की यदि भारत में आप देखिए गठबंधन सरकारें जब आई उन्नीस के बाद तो हमारे यहाँ तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसलिए मानवीय के विषय में निश्चित भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में भी नहीं हो सकता पॉलिटिकल साइंस में मानवीय के विषय में यद्यप उन्होंने कहा था लेकिन ये बात तय है कि जहाँ सूची प्रणाली होगी जहाँ अनुपातिक प्रणाली होगी जहाँ लिस्ट सिस्टम होगा वहाँ बहुदलीय प्रणाली आएगी इसमें तो विवाद नहीं किया जा सकता इसलिए आप देखेंगे इसराइल में हर गठबंधन सरकार बनती है यूरोप में इसके कंटे देशों में देखेंगे हमेशा गठबंधन सरकार बनती है क्योंकि वहाँ चुनाव की प्रणाली कैसी है लिस्ट सिस्टम है अब लिस्ट सिस्टम होगा तो निश्चित तौर पर आपके चुनाव में गठबंधन आएंगे फिर गठबंधन का मामला बनेगा गठबंधन की बात आएगी इससे जहाँ लिस्ट सिस्टम होगा वहाँ गठबंधन होगा क्योंकि वहां पे किसी एक दल को बहुमत मिलेगा ही नहीं है तो चुनाव प्रणाली को आप दल व्यवस्था के साथ देख सकते हैं सर डूवर्जर ने कहा और एक बार इंटरेस्टिंग और समीकरण है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में तो हर चीज़ का कंपेरिजन हो सकता है देशों के बीच में तो अमेरिका में दो दली है ऑस्ट्रेलिया में दो दली प्रणाली है यूरोप के इंग्लैंड में दो दली है इंग्लैंड में ऐसा वैचारिक विभाजन होता है उदारवादी रूढ़ीवादी लेबर कंजर्वेटिव अमेरिका में नहीं और दूसरी बात है भारत में और एक खास बात देखेंगे कि इसलिए एग्जाम्पल यहां भारत का ले सकते हैं कि भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत में दल दल तो है दली प्रणाली नहीं भारत का ऐसा क्यों कहा जाता है कि पार्टी है लेकिन पार्टी सिस्टम नहीं है अच्छा सिस्टम का मतलब होता है जहाँ एक पैटर्न विकसित हो जाए एक स्वरूप हमें पता चल जाए कुछ नियमितता रहे जिसके बारे में हम निश्चित तौर पे कह पाए तो आप जरा सोच के देखिए अमेरिका में दो दलीय प्रणाली है ऑस्ट्रेलिया में दो दलीय प्रणाली है पिछले सौ दो सौ साल से वहाँ दो दलीय प्रणाली चली रही है और आगे भी चलती रहेगी तीसरा दल उभर नहीं पा रहा है लेकिन भारत के बारे में दल तो है लेकिन क्या दो दलीय प्रणाली हो पाई है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई दो दलीय प्रणाली हमारे कहाँ हो पाई और सही मायने में कभी गठबंधन रहा कभी दो दली जैसा रहा दो दली तो नहीं रहा फिर कभी एक दल का प्रभुत्व रहा इसलिए भारत में दलों का जो पैटर्न है वो लगातार चेंज होता जा रहा है इसी आधार पे कहते हैं कि भाई या तो फिक्स हो जाए आपका या तो आप बहुदली हो या दो दली हो यानी कोई चीज़ निश्चित हो कि लगातार जैसे यूरोपीय देश है इसराइल है तो वहाँ बहुदली ही सिस्टम है तो ये बात भी ठीक है वहाँ का सिस्टम तो है हमारे यहाँ भी कहा जाता है भारत में ऐसा सिस्टम हो नहीं पाया है लगातार चीज़ें चेंज हो रही हैं लगातार जो डगलस वर्नी ने भी कहा है कि भारत में तो एक अद्भुत देश है जहाँ पे सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है और सहीयों की बात है भारत की दलीय प्रणाली तो हमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में देखना ही है और लेकिन अगर हम दो दलीय प्रणाली का संबंध शासन की प्रणाली से लें तो पहला तो यह है कि इसी कारण से आप ये समझ सकते हैं कि भारत में कहा जाता है कि भारत में पार्टीज हैं पार्टी सिस्टम नहीं है कारण यह है कि हमारे यहाँ जो निरंतर परिवर्तनशील है यह स्थायी है दो दल है दो दल रहेंगे बहुदल है तो बहुदल रहेंगे और दूसरा यहाँ दलीय प्रणाली का एक संबंध और आप ले सकते हैं शासन की प्रणाली से और शासन की प्रणाली से कैसे है? दली दली दलित दल का संबंध शासन की प्रणाली से ले सकते हैं अब अगर आपसे पूछा जाए कि जहाँ पे संसदीय शासन हो अब अगर आपको ये भाई संसदीय शासन नहीं पता है तो आप थोड़ा वेट करिए आगे पता चल जाएगा आपको लेकिन जहाँ संसदीय शासन है वहाँ दो दल बहुत बढ़िया काम करता है यानी यही तो कंपेरिजन है कि दल प्रणाली का भी संबंध शासन से है हाँ जहाँ अध्यक्षी शासन है वहाँ बहुदलीय हो दो दलीय हो फर्क नहीं पड़ता शासन का स्थायित्व तो वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप संसदीय शासन में दो दलीय प्रणाली को आप लाते हैं तो वहाँ समस्या वहाँ ज्यादा स्थायी रहेगा और इसीलिए तो इंग्लैंड में संसदीय शासन के लिए कहा भी जाता था एक सरकार में दल होगा दूसरा विपक्ष में होगा तो एक महामहिम की सरकार होगी दूसरा महामहिम का विपक्ष होगा ऐसा इंग्लैंड के लिए कहा जाता था इंग्लैंड के लिए बात कही जाती थी तो जबकि भारत में आप देखेंगे ज्यादा समय पे दो दलीय प्रणाली नहीं रही इसलिए संसदीय शासन में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो दो दली संसदीय शासन के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि एक दल की सरकार होगी और मान लीजिए कभी एक दल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया दूसरी दल सरकार बना लेगी मामला खत्म लेकिन अगला दली प्रणाली का अगला रूप है बहु दली। याद रखिए चाहे दो दली हो बहुदली हो इन्हें एक नाम क्या दिया जा सकता है प्रतिस्पर्धात्मक दली प्रणाली कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं है साम्यवाद में प्रतिस्पर्धात्मक दली प्रणाली यानी दल अनेक हैं प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे यहां बहुत ये भी प्रतिस्पर्धात्मक है ये भी प्रतिस्पर्धात्मक है भाई दो ही लोग अब एक ही व्यक्ति रेस में दौड़ रहा है तो उसको जीतने हारने कोई मतलब नहीं है साम्यवाद में ऐसा होता है कि एक ही दल है जो रेस में दौड़ रहा है यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होता क्योंकि ये लोग मानते हैं कॉम्पिटिशन तो पूंजीवादी विचार है बुर्जुआवादी विचार है बंधुत्व तो अपना हो दौड़ने क्या बात है भाई साम सब बंधुत्व तो होना चाहिए और इसीलिए बहुदलीय प्रणाली का मतलब है जहाँ चुनाव में अनेक दल भाग लेते हैं जहां चुनाव में अनेक दल भाग लेते हैं और विजय में भी और ये अनेक दल चुनाव जीतते भी हैं अनेक दल मिलकर चुनाव जीतते हैं इसलिए जहां बहुदलीय प्रणाली होती है वहां सामान्यतः गठबंधन की सरकार ही बनती है और आपको यह दिला दें सही मायने में दलीय प्रणाली में न केवल डिवर्जन को लिए बताया कि चुनाव प्रणाली का संबंध होता है तो सही बात है जहां लिस्ट सिस्टम होगा वहां बहुदली शासन की प्रणाली आएगी बहुदली होगा अच्छा बहुदली शासन को देखा जाए अगर आप कंपैरिजन करें तो आप पूछें कौन सा शासन ज्यादा लोकतांत्रिक होता है तो निश्चित तौर पर बहुदली आप याद रखिए चूंकि अब संयोग की बात ऐसी है कि पार्टी डेमोक्रेसी तो हम बना नहीं पाए गांधी का सपना था जयप्रकाश नारायण का सपना था एम एन रॉय कहीं मानते थे और कहा जाता है कि अमेरिका के संविधान निर्माता भी कुछ कुछ इसी तरीके की पहली राय रखते रह थे यानी ये बात तो सच है कि बिना पार्टी के तो डेमोक्रेसी हम ला नहीं पाएंगे पार्टी रखना ही पड़ेगा तो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ज़्यादा ज़्यादा लोग उसमें रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है मैं डेमोक्रेसी का सीधा मतलब क्या है लोगों का शासन और लेकिन सैयोग की बात है इतनी बड़े बड़े राज्य आ गए लोगों का शासन तो हो नहीं पा रहा है तो लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधियों का शासन स्थापित कर दें ये काम तो हम कर सकते हैं ये काम तो किया जा सकता है इसलिए कहा गया कि नहीं बहुदलीय प्रणाली ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती है इस बारे में कोई दोहराई नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा अब भारत में जब गठबंधन सरकार बनती थी तो ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हुआ क्षेत्रीय दलों के नेता है भारत के हर क्षेत्र से लोगों का रिप्रेजेंटेशन हुआ ये बात अच्छी है तो बहुदलीय प्रणाली के बारे में अच्छी बात यह है कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है एक ये भी मुद्दा है कि जहाँ बहुदली ज़्यादा दल वहाँ होंगे जहाँ समाज में विविधता ज़्यादा होगी समाज के हित ज़्यादा होंगे लेकिन ये बात गारंटी से कहना मुश्किल है अब इसराइल में अब सोचिए इसराइल तो एक यहूदी राज्य है एक ही धर्मावलंबी बहुमत में है और ऐसा भी नहीं है कि भाषा की और रेस की कोई विविधता है उसके बावजूद भी वहां अनेक दल है उसके बावजूद वहां अनेक दल है तो अगर स्विट्जरलैंड में अनेक दल हों तब तो बात समझ में आती है कि स्विट्जरलैंड में विविधता है भारत में अनेक दल हों तो ये बात समझ में आती है कि भारत में अनेक क्षेत्र हैं तो भाई अनेक क्षेत्रों के हितों को रिप्रेजेंट करने के लिए अनेक पार्टी आ जाएगी भारत में तो हाल है कि ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना है भालूवाछी करना ही पड़ेगा आपको महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है फिर आमछे मुंबई बिना वैसे चुनाव थोड़ी जीत पाएंगे गुजरात में आप जाके देखे नरेंद्र मोदी गुजराती में बोलते हैं भारत की विविधता बहुत ज़्यादा है इसलिए पार्टी सिस्टम का संबंध समाज से होता है शासन से होता है चुनाव से होता है तो जब हम पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो हर फैक्टर्स हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा हर फैक्टर्स कंपेरिजन करना पड़ेगा और ये बात स्वीकार की गई है कि बहुदलीय प्रणाली ज़्यादा लोकतांत्रिक होती है लेकिन उसके दूसरे पक्ष पर आएंगे तो बहुदलीय प्रणाली में स्थायी सरकार बनने की संभावनाएं कम होती हैं और अगर विकसित तो और विकासशील देश की तरफ आएंगे भाई देखिए विकसित देश जापान में बार बार चुनाव हो जाए तो उतनी समस्या नहीं है इसराइल में बार बार चुनाव हो जाए तो देश छोटे हैं इसराइल का मतलब है साठ अस्सी अस्सी लाख की आबादी का देश जापान दस बारह करोड़ की आबादी का देश तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई विकासशील देशों में अभी तो हम विकास के रास्ते पर जब आगे बढ़ रहे हैं और बार बार चुनाव होने लगेंगे फिर तो हमारे लिए बड़ी आफत होगी इसलिए इस मामले में देखेंगे कि जो साम्यवादी मॉडल है उसमें शासन की तो जबरदस्त स्थायित्व तो पाया जाता है और इसलिए कहीं ना कहीं कारण है अगर साम्यवाद बहुत जबरदस्त तरीके से आर्थिक रूप में आगे बढ़ गया तो वहाँ पे राजनीतिक स्थायित्व तो एक फैक्टर है यदि इसमें भी हर चीज़ के विपक्ष में जब बोला जा सकता है अगर इसमें दूसरी बात कही जाए तो क्या यही साम्यवादी शासन नॉर्थ कोरिया में नहीं है वहां भी तो है लेकिन वहाँ स्थायित्व के बावजूद विकास नहीं हो पाया तो ये अब ये देखिए ही मानवीय की विषय का पेचीदा मसला है कि कोई एक निष्कर्ष पूर्ण सत्य ही कहना बड़ा मुश्किल होता है सत्य है पूर्ण करने, करने में आंशिक हो सकता है क्योंकि इसके विपक्ष में भी हमारे पास तर्क होते हैं यदि जब नॉर्थ कोरिया और चीन के मॉडल में आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि साम्यवादी होने के बावजूद भी वहां वंशानु शासन रहा पिता का पिता का ये तीसरी पीढ़ी शासन कर रही चीन में ऐसा नहीं होने पाया और चीन का साम्यवादी शासन दुनिया का एक मात्र एग्जाम्पल है साम्यवादी शासन का याद रखिए लोकतंत्र और अधिनायकवाद में एक फर्क होता है जहाँ लोकतांत्रिक शासन होता है वहाँ सत्ता का संक्रमण शांतिपूर्ण हो जाता है सरकारें बदल जाती हैं चुनाव से और जहाँ गैर लोकतांत्रिक शासन होता है या था वहाँ तलवारें चलती हैं खून की नदियाँ बहती हैं शासन को बदलने के लिए क्योंकि को कोई सत्ता छोड़ना नहीं चाहता तलवारों से भी किले जीते गए हैं पुराने जमाने में सब यही होता था और चीन एक ऐसा देश है जहां सत्ता का संक्रमण शांतिपूर्ण हुआ है भले वो लोकतांत्रिक न हो तो ये चीन की खास बात है जो नॉर्थ कोरिया में नहीं आ पाई जो क्यूबा में नहीं आ पाई क्यूबा में वही का शासन चल गया तो चीन ने कई बातें बहुत व्यवस्थित रूप में अपनाई और कहीं ना कहीं चीन ने कही यह भी ध्यान में रखा कि जो सोवियत संघ में सत्ता केंद्रीकरण हुआ और सत्ता केंद्रीकरण का आम जनता को फ़ायदा हुआ नहीं वो चीन में नहीं हो पाया चीन में सत्ता केंद्रीकरण हुआ तो उसका आम जनता को फायदा हुआ अब लेकिन वो कितना आगे चल के आगे बढ़ेगा वो आने वाला समय ही बता पाएगा क्योंकि चीन एक दुनिया का ऐसा मॉडल है जहाँ समाज बाजारवाद पे चल रहा है और राजनीति साम्यवाद पे चल रही है अंत में अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो जो अंतिम प्रणाली है वो है एक दलीय प्रभुत्व की प्रणाली वन पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम अब यह कंफ्यूजन इसलिए कई बार ये कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है तो आप देखिए दल के साथ साथ कंपैरिजन करते चले जाइए कि शासन का संबंध चुनाव का संबंध डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक ये क्या है ये विशेषणात्मक स्टडी है अगर आप केवल इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं और कई बार अगर आपको विशेषण पता है तो आप तथ्य में भी गिस्ट कर देंगे कई बार होता है ना कुछ उत्तर हमें आते नहीं हमें गिस करके उत्तर पता गिस्स कर लेंगे अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो नहीं पता तो हम गैस बिल्कुल नहीं कर पाते तो गेस करें गलत हो जाएगा एक दली प्रभु की प्रणाली जो बात आपको समझने एक दली शासन से अलग है एक दलित शासन का मतलब जहां एक ही दल है लेकिन एक दली प्रभु की प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक देशों में पाई जाती है और रजनी कोठारी मॉरिस जॉन जैसे लोगों ने तो कहा कि भारत की प्रणाली को ही एक दलीय प्रभुत्व के रूप में चित्रित किया तो सही मायने में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक दली प्रभुत्व की प्रणाली अगर आप देखेंगे तो जो जो मॉरिस जॉन्स और रजनी कोठारी ने एक दली प्रभुत्व के शब्द का बड़ा जबरदस्त प्रयोग किया इन्हीं लोगों ने शब्द को पॉपुलर बना दिया मॉरिस जॉन्स और रजनी कोठारी मॉरिस जॉन्स विदेशी व्यक्ति हैं रजनी कोठारी भारतीय तो इन लोगों ने एक बड़ा पॉपुलर शब्द बना दिया और एक दली प्रभुत्व का मतलब है क्योंकि हम भारत है तो लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं एक दलीय प्रभुत्व तीनों मॉडल प्रतिस्पर्धात्मक मॉडल में तीनों आएंगे बहुदली भी, भी और एक दलीय प्रभुत्व भी एक दली प्रभुत्व में ऐसा होता है कि चुनाव में लड़ने वाले अनेक पार्टीज हैं लेकिन चुनाव जीतने वाली पार्टी के उल्लेख है क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक है रखिए यानी चुनाव में प्रतिस्पर्धा अनेक दल कर रहे हैं प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेक दल हैं लेकिन सीटें और वोट प्रतिशत कौन जीत रहा है सीट और वोट प्रतिशत मूल रूप में एक ही पार्टी को मिल रही है एक दल जब प्राप्त कर जाए तब इसे कहते हैं एक दली प्रभुत्व की प्रणाली इसलिए एक दली प्रभुत्व की प्रणाली एक दली प्रणाली नहीं है भाई एक दली प्रणाली का मतलब जहां दूसरा दल हो ही ना एक दली प्रणाली का मतलब वो साम्यवादी में संभव है, है या फासीवाद में संभव है या तानाशाही में संभव है तानाशाही में भी संभव है लेकिन एक दली प्रभो की प्रणाली का मतलब है पार्टी तो अनेक है लेकिन चुनाव में जीतने वाला एक ही दला जाता है जैसे क्रिकेट टीम है जहाँ चुनाव खिलाड़ी तो ग्यारह है और लेकिन वेस्टइंडीज की एक टीम थी जिसमें ब्रैन लारा उस, उसमें कैप्टन हुआ करते थे ब्रैन लारा जब मैदान में उतरते थे तीन चार सेंचुरी एक ही बार मार देते थे बाकी सब खिलाड़ी पैड बांध के बैठे रहते थे वैसी भूमिका भारत में कांग्रेस की थी कभी अब जरा सोच के देखिए कांग्रेस का ऐसा हिस्टोरिकल डिक्लाइन होगा हमने नहीं सोचा था लेकिन ऐसा होता रहता है संगठन कमजोर पड़ गया नेतृत्व तो कमज़ोर पड़ गया विचारधारा बदली या जो भी कारण हो बहुत सारे इसके कारण हैं तो एक दलीय प्रभुत्व तो अपने आप में भारत में पाया जाता था लेकिन फिर हमने कहा कि पाया जाता था नब्बे के बाद गठबंधन आ गया इसलिए तो कहा जाता है भारत में दलीय प्रणाली नहीं पाई जाती दल पाए जाते हैं पहले एक दलीय प्रणाली थी नब्बे के बाद गठबंधन और सुहास पलिस्कर की बात माने तो अब भारत में फिर से बीजेपी का उभार फिर से एक दलीय प्रभुत्व का आ रहा है लेकिन ये कब तक टिका रहेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फिर कहा जाए कि भारत का समाज संक्रमणकालीन है और आप कहेंगे क्या एक दलीय प्रभुत्व की प्रणाली केवल भारत में ही पाई जाती है तो नहीं ये मैक्सिको में बड़ी पाई गई मैक्सिको में एक दलीय प्रभु की प्रणाली का बड़ा प्रभाव रहा जापान में भी एक दौर था जहां बड़ा प्रभाव था लेकिन संयोग की बात है अब ना तो ये मैक्सिको में है ना जापान में है ये तो भारत में है या नहीं इस बारे में मतांतर है सुहास परिसकर की बात देखी जाए तो कहते नाना भारत में बीजेपी के राइज ने फिर से एक दलीय प्रभुत्व की संभावना को आगे बढ़ा दिया है क्योंकि अगर ध्यान से आप देखेंगे बीजेपी को जिस तरीके से चुनाव में जीत मिली जो दूसरा सबसे बड़ा दल है वो कांग्रेस है और कांग्रेस की सीटें तो वन टेंथ भी नहीं आ पा रही लोकसभा की तो ये तो वन डोमिनेशन है यानी वन डोमिनेशन का मतलब है कि अपोजिशन आपके पास हो ही नहीं एक दलीय प्रभुत्व का मतलब होता है कि डोमिनेशन प्रति और सही मायने में अपोजिशन ना हो तो प्रतिस्पर्धा कैसी होगी भाई दो दली प्रणाली में क्या होता है डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना ही चाहिए और बहुदलीय प्रणाली में तो बड़ा जबरदस्त अपोजिशन होता है और इसलिए कहा जाता है जहाँ बहुदलीय प्रणाली होती है कई बार निर्णय बहुमत से नहीं लिए जाते कई बार निर्णय आम सहमत से होते हैं सबकी बात पूछी जाएगी अब कहा अब आप कहेंगे सर ये बताओ वन डोमिनेशन जब हो गया और अपोजिशन हो ही नहीं रहा है तो फिर यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक कहाँ हुआ हाँ ही बात सही है लेकिन चुनाव में सभी को मौका था चुनाव तो प्रतिस्पर्धात्मक ही हुआ हाँ उसके बाद संसद में भले ही किसी एक दल का डोमिनेशन आ जाए तो एक दलीय प्रभुत्व की प्रणाली कहलाएगी जो कि एक दलीय प्रणाली से अलग है तो ये भी पार्टी कंपेरिजन करने का तरीका है कि आप इस तरीके से पार्टी को कंपेरिजन कर सकते हैं इस तरीके से अ यूरोप के ज़्यादातर देशों में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है नेपाल जैसे विकासशील देशों ने बहुदलीय प्रणाली अपना ली है नेपाल जैसे जबकि आप देखेंगे कि बांग्लादेश में टू पार्टी सिस्टम चलता है बांग्लादेश में टू पार्टी सिस्टम है श्रीलंका में भी टू पार्टी सिस्टम का प्रभाव ज़्यादा है यदि वहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुदली की तरफ भी संभावना रहती है यानी दो से ज़्यादा दल होंगे तो बहुदली भारत में तो अलग अलग पिक्चर रहे हैं भारत में पिक्चर अलग अलग रहे हैं तो ये है दलों का कंपेरिज़न दल की संख्या के आधार पर तो हमने तीनों आधार पर कर दिया ये बात कि कि सिस्टम के आधार पर भी सिस्टम के आधार पर भी और विचारधारा के आधार पर भी स्ट्रक्चर के आधार पर और लास्ट में आपको बता दें दली प्रणाली के बारे में अंतिम जो मामला है लास्ट बात आपको बता दें दली प्रणाली के मामले में विकासशील देशों में दली प्रणाली अब विकासशील देशों की बात जब की जाती है तो पहला तो आप देखिए कि दली प्रणाली कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था का एक स्वरूप होती है दलित प्रणाली ऐसा नहीं बिल्कुल अलग से आ जाएगी भाई जैसा समाज होगा जैसी व्यवस्था होगी वैसी पार्टी सिस्टम आएगा तो कहा जाता है विकासशील देश कैसे समाज है देखिए विकसित देशों विकासशील देशों में फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि दलित प्रणाली के मामले में फ़र्क कहाँ पे आता है विकसित देशों में आप देखेंगे जो एक तो विकसित देश औद्योगिक है विकसित देश औद्योगिक हैं डेमोक्रेटिक हैं इंडस्ट्राइज हैं अर्बनाइज हैं जीवन स्तर बहुत ऊंचा है इसलिए वहाँ पे, वहाँ पे इस तरीके के संघर्ष नहीं है जाति धर्म के आधार पे, इसलिए वहाँ पार्टी कैसे काम करती है पार्टी बीच की भूमिका में रहेगी और उसके साथ इधर सरकार रहेगी एक तरफ सरकार है और एक तरफ समाज है तो समाज की मांग होगी पार्टी उस बात को पार्टी उस बात को सरकार तक पहुँचा देगी और जो सरकार की नीतियां हैं पार्टी उसे कहाँ पहुंचा देगी समाज तक समाज की बात पार्टी कहाँ पहुंचाएगी सरकार तक तो ये मध्यम बारी भूमिका होती है विकसित देशों में पार्टी ऐसे ही काम करती है और यही सही स्वरूप है लेकिन जहाँ विकासशील देश आ जाते हैं अब जरा देखिए अब जब विकासशील देश आ जाएगा तो अब विकासशील देश भारत जब आजाद हुआ तो क्या वाकई क्या वाकई कांग्रेस पार्टी काम केवल चुनाव जीतना था या राष्ट्र का निर्माण भी करना था देखिए विकसित देशों में जो आज पार्टी सिस्टम चल रहा है वो पार्टी क्या है वो जनता के हितों को आगे बढ़ाना है प्रतिस्पर्धात्मक पार्टी होना लेकिन विकासशील देशों में भारत जब आज़ाद हुआ तो क्या वाकई जनता उतनी समझदार थी पढ़ी लिखी थी अपने हितों के बारे में जागरूक थी उतरे नहीं इसे कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए प्रभावी होने लगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ी लोकतंत्र का लोगों को मतलब समझ में आया तभी तो बहुत सारी पार्टीज बन गई लेकिन लेकिन कहा जाता है कि विकासशील देशों में आप देखिए दल की भूमिका एक अलग किस्म की थी जो विकसित देशों में नहीं थी विकासशील देशों में दलों की भूमिका कैसी थी केवल सरकार बनाने तक तो नहीं थी भाई दल का मूल उद्देश्य क्या होता है सरकार की सरकार को प्राप्ति सत्ता की प्राप्ति विकसित देशों में ऐसा होता है कि दल की मूल भूमिका सरकार के निर्माण तक होती है क्योंकि समाज और अर्थव्यवस्था तो वहाँ पहले से बड़ी अच्छी है लेकिन विकासशील देशों में जब दल आते हैं तो दल की भूमिका केवल सरकार के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि दल की भूमिका इससे भी ज्यादा बढ़कर वो राष्ट्र के निर्माण तक बात होती है अब राष्ट्र के निर्माण का मतलब है राष्ट्र निर्माण एक बड़ा ही व्यापक शब्द है अब राष्ट्र निर्माण का मतलब है कि आर्थिक व्यवस्था का निर्माण क्योंकि राष्ट्र निर्माण का शाब्दिक मतलब अगर देखा जाए नेशन बिल्डिंग का तो आम जनता की निष्ठा और भावना राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च रूप में हो यह राष्ट्र निर्माण है यानी भारत की भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद इतने लोगों के होने के बावजूद आम जनता अगर ये सोच रही नहीं हम पहले भारतीय हैं और उसकी सर्वोच्च निष्ठा भारत के प्रति है उसका भावनात्मक लगाव भारत के प्रति है तो राष्ट्र निर्माण है इसलिए कहा जाता है राज्य का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में फर्क है देखिए जो कहते हैं कि राज्य का निर्माण तो राज्य का निर्माण क्या है प्रशासन का निर्माण सेना का निर्माण अर्थव्यवस्था का निर्माण तो सरकार का राज्य के निर्माण का मतलब क्या है सरकार का निर्माण सरकार के निर्माण का मतलब क्या है अच्छा प्रशासन आपके पास होना चाहिए सेना होनी चाहिए आपके पास संचार सड़कें और संचार अच्छी होनी चाहिए सड़कें न्यायपालिका अच्छी हो जाए राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाए बढ़िया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन जाए जो भी सेंट्रल विस्टा बनने की बात चल रही है तो क्या होगा राज्य का निर्माण हो गया राज्य का निर्माण भौतिक होता है राष्ट्र का निर्माण ये वैचारिक होता है राष्ट्र का निर्माण कैसा होता है भावनात्मक होता है राष्ट्र का निर्माण कैसा होता है मनोवैज्ञानिक होता है राष्ट्र निर्माण कैसा है मनोवैज्ञानिक राज्य निर्माण कैसा है भौतिक राज्य का निर्माण यानी सरकार का निर्माण राज्य का मूर्त रूप क्या है सरकार तो सरकार में क्या है प्रशासन सेना इसलिए आप देखेंगे जब भारत आजाद हुआ तो राज्य का निर्माण तो था भारत और यही हर विकासशील देशों मामला फंसा हर विकासशील देश इसी के लिए अविकसित देशों में समस्या नहीं थी वहाँ तो राष्ट्र राज्य पहले ही बन चुका था और ज्यादातर विकसित देशों में भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ तो उसके बाद वहाँ आंतरिक विभाजन नहीं रहे कम से कम रहे ऐसा मैंने कहा नहीं रहे तो स्पेन में भी है इंग्लैंड में कुछ कुछ तो मामले है ही है अब यहाँ आप देखेंगे दे राष्ट्र का निर्माण का मतलब मनोवैज्ञानिक निर्माण हमारी भावना का निर्माण तो फिर आप कहेंगे कि फिर आप कहेंगे कि सर ये बताओ क्या वाकई ये दोनों चीज़ एकदम तो अलग अलग है राष्ट्र का निर्माण राज्य का निर्माण ये प्रशासन है सेना सड़क है ये तो भौतिक चीज दिखने वाली है अच्छा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चीज़ दिखती नहीं ये तो मानने की बात होती है अब मेरी निष्ठा राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च है मानने की बात है तो क्या भावना भौतिक चीज़ें अलग अलग हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है वास्तविक रूप से जुड़ी हुई है भाई अगर मे मेरे अंदर ये निष्ठा है कि भारत महान है भारत सर्वोच्च है तो पहले मेरा पेट भरा होना चाहिए स्कूल मुझे मैं स्कूल गया है मेरे पास रोजगार है अगर मेरे पास भौतिक परिस्थितियां बेहतर हैं तभी तो मनोवैज्ञानिक लगाव होगा देश के प्रति अब सवाल है मैं भूख से पीड़ित हूँ मैं गरीब हूँ लाचार हूँ और आप मुझसे कहे कि मैं भारत का तिरंगा लेके दौड़ू तो ये समस्या आएगी इसे डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा भी था यानी इसका मतलब है राष्ट्र निर्माण और राज्य के निर्माण एक दूसरे के पूरक हैं इसको अलग अलग मत मानिए लेकिन राष्ट्र का निर्माण एक लंबा कार्य है दीर्घकालिक प्रक्रिया है राज्य का निर्माण ज्यादा आसान है क्योंकि राष्ट्र के निर्माण से वैचारिक परिवर्तन हो रहा है मनोविज्ञान बदल रहा है भावना सेंटिमेंट बदलना ये बड़ा काम होता है व्यक्ति को धन से नए कपड़े पहना देना नया वाहन दे देना ये बड़ा आसान काम होता है इस वजह से अब सवाल ये देखेंगे आज हमारे यहाँ राष्ट्र निर्माण में समस्या कहां पे है तो हमारे यहाँ दलों का मूल काम क्या था राष्ट्र निर्माण आज भी अब देखेंगे हमारे यहाँ अगर अलगाववादी आंदोलन चल जाता है तो इसका मतलब राष्ट्र के निर्माण में बाधा है अगर हमारे भारत कुछ भाग में रहने वाले लोग ही कह रहे हैं कि भाई वो भारत के भाग नहीं है तो राष्ट्र निर्माण में संकट है और दूसरी बात है विकासशील देशों में अभी भी मामले उठ जाते हैं कि पंथ निरपेक्ष शासन होगा कि लोकतांत्रिक शासन होगा कि कैसा कई बार विवाद उठ जाते हैं तो ये विवाद अब नहीं उठने चाहिए तो कई बार राष्ट्र के निर्माण को राष्ट्र कैसा हो डेमोक्रेटिक हो सेकुलर हो ये ट्रांजिशन मचा रहता है इसलिए आप देखेंगे विकासशील देश के अलग स्वभाव के हैं वहाँ अभी निर्जाति पहचाने जाति धर्म की पहचाने प्रभावी हैं है वहाँ भी उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ है तो राज दलों काम सरकार बनाना तो वही है उसके साथ एक राष्ट्र का निर्माण करना भी है उसके साथ एक राष्ट्र का भी निर्माण करना है ये दलों के काम है इसलिए विकासशील देशों में जब पार्टी की बात आती है तो फिर आप देखेंगे कि अलग अलग मामला आता है जैसे रजनी कोठारी ने कहा कि विकासशील देशों में पार्टी में संगठन और विचारधारा के बजाय सबसे ज़्यादा किसका महत्व है व्यक्तित्व का अब इस बात को आप एक आध करंट एग्जाम्पल दे सकते हैं अब तमिलनाडु में रजनीकांत आ रहे हैं या कमल हसन आ रहे हैं इस बात का महत्व ज़्यादा है बजाय किस लिए आ रहे हैं सवाल यह रजनीकांत तो और कमल हसन आ रहे हैं तो क्या वो ऐसी नई बात कह देंगे जो जयलिता और डीएम में कह नहीं गई थी यही तो मुद्दा होना चाहिए तो ये एग्जाम्पल देखें हमारे यहाँ दल क्या होते हैं व्यक्ति केंद्र चलते हैं और रजनी कोठारी तो इतना तक कहा है अब ये हमारा तो परफेक्ट मॉडल है विकासशील देशों का ये तब जब विकासशील देशों की बात करेंगे तो वहां दल को एक सिस्टम है नहीं कई देश लोकतांत्रिक हैं कई लोकतांत्रिक नहीं है कई जगह तो साम्यवादी शासन है तो विकासशील देशों में शासन की बड़ी विविधता है विकसित देशों में नहीं है विकसित देशों में शासन लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक शासन होगा तो दलीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक ही होगी विकासशील देशों में शासन के मामले में अभी भी अंतर विद्यमान है इसलिए आप देखेंगे अजीव कोठारी ने अच्छी बात कही कि पर्सनालिटी फैक्शनलिज्म गुटबंदी बहुत पाई जाती है एक पार्टी का आदमी कब दूसरी पार्टी में चला जाएगा पता नहीं चलता गुटबंदी बड़ी पाई जाती है इसलिए जबकि आप देखेंगे कि यूरोप अमेरिका वगैरह में है एक व्यक्ति जो है जिस पार्टी में चला गया उस पार्टी में पूरा जीवन वहीं पर रह गया हमारे एक पार्टी में है तो गुटबंदी का मतलब है अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया उसके खिलाफ भी कई लोग नाराज हैं गुटबंदी पार्टी में ही अलग लामबंदी चल रही है और इसलिए पार्टी टूटती भी है जोया हसन ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी जोया हसन ने भारत जैसे देशों के बारे में कहा कि भारत में तो पार्टी जो है वो रजनी कोठारी ने तो कहा था कि भाई चलो व्यक्ति का आधारित पर्सनालिटी सेंट्रिक पार्टी है जो है जो हसन ने कहा हमारे यहाँ परिवार केंद्रित पार्टी है एक ही परिवार ही पूरा पार्टी है बहुत सारे परिवार हैं अब बहुत सारे परिवार भारत में है चाहे वो डीएमके का हो समाजवादी पार्टी का हो बहन जी का हो ममता बनर्जी का हो ये परिवार ही पार्टी उसमें भाई भतीजा मतलब सब सब लोग उसी में शामिल हैं पर चाचा ताऊ मामा नाना ना, दादी दादा तो फैमिली पार्टी जो जो ऐसा नहीं क्या फैमिली पार्टी सिस्टम और सैयोग की बात है ये एग्जांपल भारत में ही नहीं बांग्लादेश चले जाइए शेख हसीना रहमान की बेटी पाकिस्तान चले जाइए जुल्फार अली भुट्टो का पूरा आज भी ख़ानदान चल रहा है नवाज़ शरीफ जो मरीम आ रही हैं उनकी बेटी है बिलावल जरदारी के बेटे हैं बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और आप श्रीलंका में चले जाइए तो वहां पता चला कि दो भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए हैं विकासशील देशों में ये टेंडेंसी खूब आई जाती है तो पर्सनालिटी सेंट्रिक होने का कारण होता है कि चीजें प, पार्टी ही परिवार में बदल जाता है तो विकासशील देशों में ऐसी टेंडेंसी है और दूसरी बात है कि यहाँ पे हमने ये तो ही दिया है कि यहाँ पार्टी का मूल काम केवल चुनाव आयोजित करना बिल्कुल नहीं होता और एक खास बात देखेंगे विकासशील देशों में पार्टी तो होती है लेकिन पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता जहां इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती भाई पार्टी का हेड कौन होगा पार्टी की फंडिंग कहाँ से आ रही है ये सब बताया जाए तो आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई क्यों हो जाएगा ये पता ही नहीं चलता भाई कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों होगा क्योंकि परिवार से है किसी पार्टी का प्रेसिडेंट क्यों होगा क्योंकि परिवार से है तो आंतरिक लोकतंत्र यहां पे नहीं होता अब ऐसा भी नहीं कि किसी पार्टी में बीजेपी में भी जेपी नड्डा प्रेसिडेंट क्यों हो गए ये बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिसाइड थोड़ी किया अब किसने डिसाइड किया पता ही नहीं है अब राहुल गांधी यानी हर क्षेत्रीय दलों के लिए भाई वन मैन शो है क्षेत्रीय दलों के लिए वन मैन शो है यानी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है पार्टी का कार्यकर्ता तय करे भाई उसका बॉस कौन होगा यही तो डेमोक्रेसी है जैसे आम जनता तय करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा प्रधानमंत्री कौन होगा तो आम जनता जब ये तय करेगी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन होगा तो आम जनता को ये भी तय करने का अधिकार है कि उसका पार्टी बॉस कौन होगा ये नहीं पाया जाता अब आप देखेंगे विकासशील देशों की समस्याएं हैं जो हर जगह है नेपाल में आप एग्जाम्पल देख रहे कैसा गुटबंदी चल रही है नेपाल की साम्यवादी पार्टी में जो तो रजनी कोठारी ने जो बातें कही उसको तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं गुटबंदी नेपाल में आप देखिए कैसी गुटबंदी चल रही है जबकि नेपाल के पार्टी का मूल उद्देश्य क्या था सर अभी राष्ट्र का निर्माण करना नेपाल में गरीबी है समस्या है अरे भारत में भी तो ऐसी समस्याएं हैं इसीलिए विकासशील देशों में पार्टी का रोल थोड़ा अलग होता है विकसित देशों से पार्टी सिस्टम यहीं पे समाप्त